मित्रों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी में। साथियों, आज मैं चर्चा करने वाले हूँ हठ योग के लिए विभिन्न ऋतुओं के बारे में। समय, कहा गया है ना, समय बड़ा बलवान, समय बलवान होता है। योगियों के लिए, योग साधना के लिए कौन सा समय उपयुक्त होता है और कौन सा अनुपयुक्त है, जो उपयुक्त समय है क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। योग साधना के लिए समय, काल जिसे कहा गया है, उस समय का वर्णन हमारे ऋषियों ने बड़े विस्तार से चर्चा किया है। वैसे भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे तंत्र शास्त्र में, अलग अलग ग्रंथों में इस काल का, समय का बड़ा महत्व दिया गया है कि अलग अलग समय में किया गया कार्य उसका परिणाम भी उसी के अनुकूल बनता है। तो क्यों ना हम योग साधना में जो समय, जो ऋतुओं की चर्चा की गई है, हम चाहे वो हठ योग ग्रंथ हो, हठ प्रदीपिका हो, किसी ग्रंथ में दिया गया है, उनका क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसलिए आप अपने इस वीडियो को पूरे के पूरे देखने के प्रयास की, बीच में स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आप इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी से आप अवगत नहीं हो पाएंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं योग साधना के लिए महत्वपूर्ण ऋतुओं। हठ योग साधना या हठ योग योगाभ्यास के लिए जो समय, ऋतु और वातावरण है, इस समय और ऋतु और वातावरण के बारे में हम अपने इस वीडियो में विस्तार से प्रकाश डालने वाले हैं। सबसे पहले प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके उस परमपिता परमात्मा को, जिन्होंने योग के इस ग्रंथ का और योग के इस दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव जिनके मुक्त कंठों से विश्व मानव तक ले हुआ है, उस परम भगवान शिव को हम नमन वंदन करते हैं। भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त हठ योग के दिव्य ज्ञान और उस दिव्य ज्ञान में जो समय का महत्व है, इसके बारे में चर्चा करने से पूर्व हठ योग, व्हाट इज द हठ योग। साथियों, हठ योग दो शब्द या दो वर्णों के मेल से मिलकर बना हुआ है। कहा गया है, हकार कथिता सूर्या ठकारस चंद्र उच्चते सूर्य चंद्र मशोर योगा हठ योग निगद्यते, इस प्रकार के सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वर्णन मिलता है। ह का अर्थ होता है सूर्य, पिंगला, पिंगला जो नाड़ी है, ग्रीष्म, पित, शिव, दिन एवं रजस, इस सब का प्रतिनिधित्व है। और ठ अर्थात ठम कहते हैं, हम और ठम दो वर्ड है, वर्ड दिया गया यहाँ पे, वही चंद्र, ईड़ा, शीत, कप, शक्ति, रात और तमस का प्रतीक है। ऐसे आप इस फोटोग्राफ के माध्यम से अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, हमारा दायां स्वर और हमारा बायां स्वर, हमारा शरीर जैसे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप होता है, वैसे हमारा शरीर का समग्र स्वरूप भी उसी प्रकार से बना हुआ है। हकार सूर्य, हकार का मतलब होता है सूर्य स्वर और ठकार मतलब चंद्र स्वर, अर्थात दायां और बायां। सूर्य मतलब हमारा राइट नॉस्टल और चंद्र मीन्स हमारा बायां नॉस्टल। दोनों नॉस्टल में, दोनों नासिका छिद्र में जो स्वर चलती है, वो स्वर को क्या करते हैं, दोनों स्वर को ले जाकर के सुषुम्ना स्वर में एकाकार कर देते हैं, मिला दिया जाता है। और दोनों मिल जाते हैं तो सारे चक्रों का भेदन करते हुए, सभी ग्रंथियों का भेदन करते हुए वे सीधा जाकर के शस्त्रार में स्थित हो जाते हैं। और इन सारी प्रक्रियाएं जो होती है, स्वर में प्राण को प्रवेश कराना, चक्रों का भेदन, ग्रंथियों का भेदन और भेदन करके कुंडलिनी को शस्त्रार में स्थापित करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया, इसी का नाम हठ योग है। साथियों, इसके बारे में मैंने पूर्व में और भी वीडियो इसमें बनाए हैं, आप हमारे योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल है, उस चैनल में जा करके आप वहाँ पे सर्च करें और सर्च करके देखें कि हठ योग क्या है, हठ योग के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा वहाँ पे हमने किया है। आगे इसमें देखते हैं, घिरण संहिता जो कि सप्तांग योग से नाम से जाना जाता है, महर्षि घिरण ने सप्तांग योग के रूप में इसका वर्णन किया है। षटकर्मणः शोधनम चैव आसनेन भवेद्दृढम् मुद्रया स्थिरता च प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामं लाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशय। ऐसे घिरण संहिता में महर्षि घिरण ने पहले ही अध्याय के 10वें और 11वें नंबर श्लोक में चर्चा किया है।
वैसे जिसके बारे में, जिस काल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वे प्राणायाम से पूर्व बात चर्चा की गई है। क्यों? प्राणायाम से पूर्व या प्राणायाम करने में काल का, समय का विशेष महत्व है। वैसे हठ योग में, हठ योग साधना प्रारंभ करने का जो काल है उसका भी, और किसके लिए है ये? प्रारंभिक साधकों के लिए। विशेष तौर से प्रारंभिक साधकों के लिए योगाभ्यास का समय क्या होना चाहिए, कौन सी रीतियों होनी चाहिए, समय योग किस समय करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम करना चाहिए, कौन सी ऋतु में करना चाहिए, कैसे वातावरण में करना चाहिए, ये सभी अपने स्थान, अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा मायने रखता है। तो साथियों, हम लोग चर्चा करने वाले घेरिन संहिता के 5वें अध्याय के जो 8वां नंबर जो श्लोक है, 8, 9, 10 नंबर जो जो श्लोक संख्या जो दिया गया है, उन श्लोकों में जो विस्तार से चर्चा किया गया है योगाभ्यास के लिए, प्रारंभिक साधकों के लिए जो समय निर्धारित किया गया है, क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, किस लिए किया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व योगाभ्यास में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि इस प्रकार, जिसमें उचित स्थान है, आपका समय से पहले स्थान का महत्वपूर्ण इसमें जो भूमिका है, क्योंकि निश्चित जगह पे निश्चित समय पे हम लोग योगाभ्यास करते हैं, और जब निश्चित समय और निश्चित वातावरण है तो उसके बाद आहार का भी महत्व है। क्योंकि मित्रों, हमने योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल में उचित स्थान अर्थात योग मठ के बारे में और आहार के बारे में पूर्व में हम वीडियो बना चुके हैं। कृपया आप हमारे इस आई बॉक्स के माध्यम से या फिर आप हमारे चैनल पे जा करके वहां से आप जरूर देखें, मिलेगा। उचित स्थान को योग मठ कहते हैं। साधनात्मक जीवन में स्थान का विशेष महत्व है। प्राचीन भारतीय योग परंपरा में ऋषियों ने ऐसे स्थानों का चयन किया जहां उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव था। तो उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हठ योग का अपना स्थान रहा है। तो साथियों, उसको जरूर देखें और इसका लाभ आप जरूर लेवें। वह स्थान जहां मन की निम्नगामी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है, उसी स्थान को क्या कहते हैं? उसे योग मठ कहा जाता है। अब योगाभ्यास के लिए जो समय व वातावरण की बात है, योग साधना में समय का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, और वे भी प्रारंभिक योग साधकों के लिए, जो योग साधना प्रारंभ करने वाले हैं उनके लिए तो योग साधना के लिए पर्टिकुलर समय का होना महत्वपूर्ण है। अब क्यों है, कैसे हैं, इसके बाद अगले स्लाइड में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे विशेष तौर से भारतवर्ष में, अगर पूरी विश्व को देखें तो विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की ऋतुएं होती हैं, लेकिन भारतवर्ष ही संपूर्ण विश्व में एक ऐसा देश है जहां पे 6 ऋतुएं होती हैं। उसमें से सबसे पहला है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु की चर्चा है। साथियों, ये 6 ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं के बारे में पहले समझना जरूरी है। अगर ऋतुएं आप नहीं जानते तो इसको हम अंग्रेजी मंथ के अकॉर्डिंग भी हम लोग देख पाएंगे, और विशेष तौर से ये 6 ऋतुएं भी भारत के प्रत्येक क्षेत्र में नहीं है, विशेष तौर से ये हमारे मध्य पूर्व जो भारत है, उत्तर भारत है, उस उत्तर भारत में विशेष तौर 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। इन 6 ऋतुओं को आप ध्यान रखेंगे, अन्यथा आप इसके महीने को जरूर ध्यान रखें, उसके अनुसार अपने योगाभ्यास प्रारंभ करें। और जो योगाभ्यासी लंबे समय तक योगाभ्यास कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साथियों, आप इस ऋतु चक्र को जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी योग साधना के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु देखिए। ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है मई और जून, अर्थात अगर हिंदी मंथ के कारण देखें तो वैशाख और ज्येष्ठ मानते हैं इसको। हम इसको 6 ऋतुओं में और अपने जो इसमें चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ जो हमारे हिंदी के माह है, और अंग्रेजी की जनवरी, फरवरी, इन सारों को सभी को हमने चक्र में स्पष्ट रूप दिखाने का प्रयास किया है। अगर गर्मी, बरसात और सर्दी इन तीन मौसम के अकॉर्डिंग करें तो भी आप इसे इस तीनों तरह से भी देख सकते हैं, अर्थात 4 दृष्टिकोण से, हमने 4 एंगल से इसको अलग अलग तरह से बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहले यदि आप ग्रीष्म ऋतु देखें, उसके बाद वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत, ये 6 ऋतुएं हैं। इन्हीं 6 ऋतुओं में आपका ग्रीष्म ऋतु है वो वैशाख और ज्येष्ठ है,
जो यहां पे आप देख पा रहे हैं, और मई और जून, क्योंकि मई और जून और ये यही हमारा कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु है। इसके बाद आप जुलाई और अगस्त में आइए, आषाढ़ और श्रावण मास है, क्योंकि ये वर्षा ऋतु है, वर्षा इसी समय होती है क्योंकि बरसात का मौसम होता है ये। इसके बाद अक्टूबर और सितंबर, तो अक्टूबर और सितंबर का महीना जो है आश्विन और भाद्रपद है, हिंदी मास के अकॉर्डिंग ये शरद ऋतु है, और साथ ही में शरद ऋतु का बड़ा महत्व है, इसके बारे में चर्चा भी हम करेंगे। हेमंत ऋतु है अघन और कार्तिक, अगर अगर अंग्रेजी मंथ के देखें तो दिसंबर और नवंबर, और दिसंबर जो माह है ये हेमंत ऋतु है। और शिशिर ऋतु की चर्चा जहां तक है वो पौष और माघ मास है, और जनवरी और फरवरी वो काफी ठंडी का मौसम है ये। और इसके बाद आप मार्च और अप्रैल जो है ये बसंत ऋतु है, सबसे सुहाना मौसम जो हमारा बसंत का होता है वो फाल्गुन और चैत्र है। तो साथियों ये मे भी संभव ये मार्च की शुरुआत से हो सकती है, थोड़ा आगे पीछे जरूर हो जाता है, लेकिन महीना अप्रैल मार्च और अप्रैल ही आता है लगभग। तो ये हमने एक काल चक्र देखा है, ऋतु चक्र देखा है। अब इन ऋतु चक्र में हम कौन सा ऋतु में करना है, कौन सा ऋतु में नहीं करना है, इसके लिए हम अगले स्लाइड में जरा एक बार दृष्टिपात करते हैं। योगाभ्यास के लिए समय और वातावरण, ऐसे समय का चयन करना चाहिए जिससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो सके। ऐसा समय जिसमें अधिक गर्मी, सर्दी या बरसात न हो, अर्थात समशीतोष्ण मौसम का चयन करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे हठ योगी ग्रंथों में ऋषियों ने निर्देश दिया है। अगर इस समय हम लोग योगाभ्यास करते हैं तो हम अपने योग साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। अगर इसके विपरीत यदि करते हैं तो निश्चित तौर से ये योग में हमारे लिए बाधक सिद्ध होता है, और योग साधना में हम सही तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। योगाभ्यास के लिए साथियों सबसे पहले निषिद्ध समय बताया गया है। निषिद्ध समय का मतलब है नहीं करने योग्य जो काल है। हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायाम च ऋतो तथा योगारंभम न कुर्वित योगो ही रोगदा। बहुत ही स्पष्ट चर्चा किया है हिरण्य संहिता के 5वें अध्याय के 8वां नंबर श्लोक पे। हेमंत और शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा में योगाभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। हेमंत और शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा, तो योगाभ्यास शुरू नहीं करें। इन 4 ऋतुओं में यदि योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं शरीर में कैसा होता है, क्या होता है, उसे रोग उत्पन्न होता है। कृते योगो ही रोगता, इसमें किया हुआ रोग, योग हमें रोग प्रदान करता है, अर्थात शरीर रोगी होता है। साथियों इसके लिए एक बार पुनः फिर से हम अपने उस काल चक्र को देख लेते हैं। उसमें कहा गया है 4 ऋतु ऐसा है जहां योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखिए मई और जून अर्थात ग्रीष्म ऋतु में योगाभ्यास प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पहले आप नोट बड़ा ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी आपको बसंत ये गई आपका वर्षा ऋतु शरद हेमंत ये समझ नहीं आता, इसलिए ये ऋतु चक्र को देखना जरूरी है। दूसरा है वर्षा ऋतु में नहीं करनी चाहिए। जुलाई और अगस्त अर्थात आषाढ़ और श्रावण मास में इन वर्षा ऋतु में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वर्षा ऋतु में कीड़े मकोड़े और उस समय जो ह्यूमिडिटी वातावरण में होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायी है, और ग्रीष्म ऋतु में इतनी गर्मी होती है कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाती है, इससे निश्चित तौर से शरीर में क्या है, रोग उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। साथियों शरद ऋतु की चर्चा यहाँ पे बाधक में नहीं की गई है, बल्कि इसके लिए हेमंत ऋतु की बात की है। 2 ऋतुओं के बाद हेमंत ऋतु की बात कही है जो कि नवंबर और दिसंबर माह है, क्योंकि यहाँ ठंडी की मौसम शुरू हो जाती है इसमें ज्यादा अगहन कार्तिक में, तो यहाँ पर भी योगाभ्यास प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जो प्रारंभ कर चुके हैं वे तो योगाभ्यास करते रहे, रोके नहीं, लेकिन जो साधक पहले शुरुआत में प्रारंभ करना, जैसे कि आप प्राणायाम या योगाभ्यास संकल्प के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो आप इन ऋतुओं पर ना करें। नंबर 4वां नंबर है वो शिशिर, सबसे ज्यादा ठंडी मौसम जहां पे होती है वो जनवरी फरवरी में, पौष और माघ, इस ऋतु में भी योगाभ्यास नहीं करनी चाहिए। अर्थात ये सामने की ये 2 ग्रीष्म और वर्षा ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतु, ये 4 ऋतुओं में योगाभ्यास हमारे योग शास्त्र में निषिद्ध माना है। इसलिए साथियों इन ऋतुओं पे आप योगाभ्यास ना करें, प्रारंभ शुभारंभ ना करें, लेकिन जो प्रारंभ कर चुके हैं पुनः फिर से कह रहा हूं वे योगाभ्यास करते रहें, उन्हें रोकना नहीं है।
इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं उसी क्रम को जहां से हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हेमंत और शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा, ये चार ऋतुओं में क्या योगाभ्यास न करने का आदेश हमारे ऋषियों ने किया है। क्यों नहीं करना चाहिए? यदि हम मौसम के अनुकूल ना चलें, मौसम के अनुकूल अभ्यास ना करें, तो शरीर में असंतुलन उत्पन्न हो जाती है। इससे फोड़े, फुंसी, बुखार, सर्दी, जुकाम हो सकती है। मित्रों, इसे और महत्वपूर्ण कई और रोग होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। विश्व स्तर से अगर समय का ध्यान न रखा जाए, आहार विहार का ध्यान न रखा जाए, तो शरीर में चाहे वो पित्त की वृद्धि हो या कफ की वृद्धि हो, हमारे जो शरीर में जो वात पित्त कफ है वे असंतुलित हो जाता है। शरीर के तापमान में असंतुलन उत्पन्न हो जाती है और उससे बहुत सारे रोग उत्पन्न होता है। इसलिए मित्रों, इन चार ऋतुओं में तो योगाभ्यास प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, और जो साधक प्रारंभ कर चुके हैं, कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, उन्हें अपने योगाभ्यास को चलाते रहना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हम में आते हैं, यहाँ पे उपयुक्त समय कौन सा है? दिया गया है बसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभम समाचारे। बसंत और शरद ऋतु में क्या करना चाहिए? योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। बसंत ऋतु कौन सा है? बसंत ऋतु हमने दो ऋतु बारे में चर्चा की था। बसंत ऋतु, आप इस ऋतु चक्रों को एक बार पुनः फिर से देखें, बसंत ऋतु अर्थात आपका मार्च और अप्रैल का माह है, और शरद ऋतु जो आप देख पा रहे थे सितंबर और अक्टूबर, ये जो माह आपका है ये शरद ऋतु का है। इन दोनों ऋतुओं में भी आप योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं साथियों, तो आप निश्चित तौर से कहना चाहिए सिद्धि को प्राप्त होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हमारे योग शास्त्रों में बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। देखिए, अगर इन ऋतुओं पर यदि आप योगाभ्यास करते हैं तो योग साधक निश्चित ही सिद्धि को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे भगवान शिव ने अपने हठ योग के ग्रंथों में, चाहे वो हठ योग प्रदीपिका हो, चाहे वो घेरेन संहिता हो, या आप शिव संहिता के बारे में चर्चा करें, तो इसमें कहा गया है कि निश्चित तौर से क्या है, रोगों से उन्हें मुक्ति मिलती है। अब क्यों? क्योंकि इसमें इसका कारण यह है कि इससे शरीर और वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित होता है। अर्थात ये ऐसा समय होता है जिस समय क्या है, पूरे पूरे वातावरण में एक दिव्यता होती है। क्यों होती है, देख लीजिएगा, इस समय का सर जो टेम्परेचर वातावरण का होता है वो ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा ठंडी होती है, समशीतोष्ण होती है। सहनशीलता में इससे शरीर में वृद्धि होती है। हमारे शरीर में वात पित्त जो कफ का जो दोष है वो कैसा होता है, वो संतुलित रहता है। इससे शारीरिक व मानसिक परिवर्तन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहीं तनाव, चिंता या अवसाद का मौसम नहीं होता। इस समय मौसम प्रफुल्लित, इस समय मन जो है साधक का प्रफुल्लित रहता है। इन दोनों ऋतुओं में पूरा वातावरण प्राण से लबालब रहता है। विश्व ब्रह्मांड से प्राण धरती पर बरस रहा होता है। क्यों? क्योंकि इस समय देखिए, हमारे धान हो या फिर गेहूं की फसल हो, फिर इस समय क्या है, दूध या उसके फूल या उसके फल या प्रत्येक कई प्रकार के जो हमारे फल फूल होते हैं उसमें या तो दूध आ रहा होता है या फल विकसित, फूल विकसित होती है या फल फलने लगते हैं। अर्थात पूरे ब्रह्मांड की जो दिव्य प्राण है वो धरती पे क्या उस समय बरस रही होती है। तो उस समय जो दिव्य प्राण की धाराएं जो बरस धरती पे बरसती है, अगर उसी समय यदि आप योगाभ्यास करें तो निश्चित तौर मानिए मित्रों को, दिव्य प्राण जो ब्रह्मांड से हमारे इस पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियों पे बरस रहे हैं, उसी समय यदि आप योग साधना करें तो वो प्राण को आप अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। इस समय वायुमंडल में जो विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें हम ऋणात्मक आयन कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होता है, जिसे शक्ति और स्फूर्ति का अनुभव होता है, वो वातावरण में सबसे पर्याप्त मात्रा में होती है। इसलिए भी हमें इन दो ऋतुओं में योगाभ्यास करना चाहिए, न कि वो उपयुक्त जो बताए गए हैं वो चार ऋतुओं का हमें निश्चित करना चाहिए। इसके साथ साथ मित्रों, लास्ट में हमें आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि इसमें कुछ हमने प्रश्नोत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, ये चार तीन प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों को बड़े ध्यान से आप पढ़ें, और इसके उत्तर इन चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में दिया गया है, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पुनः फिर से आप
बेक कर लें और बेक करके रिवर्स करके पुनः फिर से देखें और देख करके इसके आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे अच्छा लगेगा मुझे भी जान करके कि आप इस दिव्य विज्ञान को जानने की इच्छुक हैं और आप अपने योग साधना में कितना आप तल्लीन हैं और योग साधना के प्रति कितना आप समर्पित हैं, ये जानकारी हमें आपके इस माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रणाम, नमस्कार।